नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के 12 जिलों के 50 नगर निकायों के लिए चुनाव का नतीजा आ चुका है। इनके 1775 वार्ड में कांग्रेस के 620, भाजपा के 548, बसपा के 7, भाकपा के 2, माकपा के 2, आरएलपी के 1 उम्मीदवार के साथ ही 595 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 12 जिलों की 50 नगर निकायों में सदस्यों पद के लिए हुए आम चुनाव का परिणाम कल जारी किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि सभी निकायों के 1775 वार्डों में से कांग्रेस के 620, भाजपा के 548, बसपा के 7, माकपा के 2, भाकपा के 2, आरएलपी के 2 और 595 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। मेहराल ने यह भी बताया कि अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को लोक सूचना जारी होगी। देश दुनिया में छाए कोविड-19 के संकट के बीच में अब इसके वैक्सीनेशन को लेकर के भी तैयारियां जोरों पर हैं। राजस्थान में भी वैक्सीनेशन को लेकर अब तेजी से तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। राजस्थान में स्टेट लेवल के 3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। इसमें जयपुर, उदयपुर और जोधपुर शामिल है। जोधपुर के झालामंड स्थित चिकित्सा भवन में इसके कार्यालय को स्थापित करने के अलावा आवश्यक तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा की देखरेख में इसका कार्य अंतिम चरण में है। राजस्थान के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर के पास किसानों ने तय कार्यक्रम के मुताबिक जाम लगा दिया है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे जाम हो गया। हाईवे पर किसानों के जमावड़े को देखते हुए बहरोड से वाहनों को डाइवर्ट करने का काम भी किया जा रहा है। हाईवे पर भारी संख्या में किसान जमा भी हो गए, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल लगाया गया। आपको याद दिला दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया था कि उनके संगठन से जुड़े सभी किसान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शाहजहांपुर पहुँचने का ऐलान करने के अलावा राजस्थान के 51 किसान संगठनों के मुखियाओं से दिल्ली कूच के लिए शाहजहांपुर पहुंचने संबंधी तैयारियां की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार की किसानों के प्रति बेरुखी से आहत किसान शनिवार को दिल्ली कूच के लिए संगठित होकर निकलने का ऐलान किया है। डूंगरपुर जिला प्रमुख में बीटीपी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के एक होने के मुद्दे पर पैदा हुए सियासी विवाद में अब असुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। ओवैसी ने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा है। AIMIM के नेता ओवैसी ने ट्वीट करके कांग्रेस और बीजेपी को एक बताते हुए बीटीपी को किंग मेकर बताया है। इसके साथ ही संघर्ष में उसका साथ देने की बात भी कह करके गठबंधन का न्योता दिया गया। ओवैसी ने बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटू भाई वासवा के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि वसाव जी, कांग्रेस आपको और मुझको सुबह शाम विपक्षी एकता का पाठ पढ़ाएगी, लेकिन खुद जनयुधारी एकता से ऊपर नहीं उठेगी। ये दोनों एक हैं, आप कब तक इनके सहारे चलोगे? क्या आपकी स्वतंत्र सियासी ताकत किसी किंग मेकर होने से कम है? मरुधरा में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही अधिकांश हिस्सों में पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर और तीखे होने की संभावना है। कुछ इलाकों में कोहरा भी छाया हुआ है, तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के साथ ही उत्तरी हवाओं का दौर भी शुरू हो गया है। इसके कारण से सर्दी के तेवर तीखे होने शुरू हो गए। बीकानेर, पिलानी, सीकर, चूरू और श्रीगंगानगर समेत कई इलाकों के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। दिखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।